अब सब अच्छे हैं और आधे तो डरे हुए हैं कि पेपर आ गए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई हमने कर ली है, आधे बेचारे अब करना शुरू कर रहे हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हम लोग वीडियोस में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आनी ही है, और आपको वो 5 नंबर फ्री के दिलाएंगी। फ्री के यहाँ पर क्यों होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली वही सेम एज इट इज आती हैं, बस आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वही हम इन वीडियोस में करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए ट्रिक बताई थी किस तरीके से करना होता है, वो आपने वो वीडियो देखी होगी, और नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन, लेटर, पत्र, जो भी आप बोलो, ठीक है, सारी भाषाएं एक ही होती हैं, बस आप लोगों को मीनिंग्स पता होना चाहिए। तो पत्र हिंदी में है, एप्लीकेशन लेटर इंग्लिश में होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलते हैं, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, 12th क्लास तक आपको लेटर्स दिखती ही दिखती हैं, और हमें हमेशा जरूरत भी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि लेटर्स होती कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो चीज़ जरूरी है। देखो पत्र जो है वो 2 टाइप के होते हैं जिनको हिंदी में बोला जाता है, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक। अब यहाँ पर आप लोगों को इस मतलब बोलने से ही पता लग गया होगा, औपचारिक होता है अनौपचारिक होता है, ठीक है। वही एप्लीकेशन को इंग्लिश में बोल देते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल, ठीक है। तो औपचारिक अनौपचारिक में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। औपचारिक का मतलब होता है जब हम किसी फॉर्मली लेटर को लिखते हैं, मतलब हम अपने प्रिंसिपल, टीचर, रिस्पेक्टेड बड़े को किसी को लिख रहे हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है, मतलब औपचारिक नॉर्मली यूज जो है वो स्कूल कॉलेजेस में ही होते हैं, अनौपचारिक जो है वो हम अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने ब्रदर सिस्टर, वेडिंग में जा रहे हैं, किसी रिलेटिव को, अंकल को, आंट को, किसी एडिटर को, न्यूज़पेपर में कुछ लिखना है, पुलिस स्टेशन में, कहीं भी कुछ भी लिखना होता है, वो सारे अनौपचारिक में आते हैं, इनफॉर्मल में आते हैं। ओके, इसके मैं टाइप लिख देती हूँ। जो इनफॉर्मल लेटर है वो मोस्टली जो है वो प्रिंसिपल को जाते हैं, ठीक है, या फिर हेडमास्टर, इनको जाते हैं। ओके, इनफॉर्मल जो है वो जाते हैं फैमिली या फिर मार्केट में देना है हमें किसी को, ओके, पुलिस या फिर मिनिस्टर, ये सारे जो है वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो हम अपनी भाषा में लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मल में हमें थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखना होता है। अब अनौपचारिक पत्र भी वही होते हैं, औपचारिक भी वही होते हैं। औपचारिक होते हैं जो हम प्रधानाचार्य या फिर मुख्य अध्यापक, आई होप राइटिंग समझ आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। बोर्ड पे राइटिंग समझने तक वैसे है, नहीं भी अरे तो मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट टाइम मैं और इम्प्रूव कर दूंगी। प्रधानाचार्य का मतलब क्या हो गया, अनौपचारिक का मतलब वही जो हम किसी को भेजते हैं, जैसे हम किसी परिवार में किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों को अपने भेज रहे हैं, या फिर बाजार से कोई सामान मंगाना है वहाँ पर भेज रहे हैं, और इसके अलावा में हो जाता है मतलब कि किसी काम के लिए किताबें मंगवाने के लिए होते हैं ना, एडिटर को या फिर किताब मंगवाने के लिए। तो ये जो है लेटर के टाइप हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई इतना ज़्यादा डीपली करके बताता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स अबाउट एप्लीकेशंस, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आर हियर, कितने टाइप की होती हैं। तो 2 टाइप की होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल और औपचारिक अनौपचारिक, आपको एग्जाम में दोनों देखने के लिए मिलती है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक औपचारिक अनौपचारिक में चॉइस आती है, और इंग्लिश में भी फॉर्मल इनफॉर्मल में चॉइस आती है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मेन फॉर्मेट क्या है, अगर आपको ऊपर का फॉर्मेट आता है ना, अंदर आप जो मर्जी घुसाओ, जो मर्जी लिखो, डजंट मैटर, एग्जामिनर से फॉर्मेट देके आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। तो वही चीज हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से आपको रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ओके, अब ये जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि लेटर लिखनी है हमें किसके लिए, सिक लीव को, और किसको लिखनी है, प्रिंसिपल को। तो ऑब्वियसली क्या है, एक फॉर्मल लेटर है, और हिंदी में भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, ये अगर हमें मुख्य अध्यापक को लिखनी है, और किसके लिए, बीमारी के लिए, प्रार्थना पत्र, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, सेवा मुख्य अध्यापिका जी, वही वाला। तो ये फॉर्मल लेटर का टाइप है। तो इसके अंदर आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, जैसे आपका मान लो ये पूरी पेपर की शीट है, पेपर की शीट ऐसे ही आएगी आपके पास, हॉरिजॉन्टली शीट होगी। ओके, तो आपको किस तरीके से शुरू करना है, यहाँ पर आपकी लाइन होती है जो कि आप साइड में डालते हो यूं करके, है ना, यहाँ पर साइड में लाइन होती है। तो यहाँ से आपको शुरू करना है, और बस फॉर्मेट ऊपर का बेटा अच्छा बना लो, एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देता है अगर आपका फॉर्मेट बहुत प्यारा बना हुआ, साफ सुथरा बना हुआ। तो कैसे बनाना है, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है हमें, और फॉर्मल लेटर है तो हमें ऊपर का स्ट्रक्चर में बस वही चीजें होती हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, ओके, देन आपका स्कूल, केवी नंबर 3 लिख रही हूँ मैं, आप किसी कोई भी स्कूल अपना लिख दीजिएगा, या क ख ग एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में हिसार, कहाँ पर स्कूल है आपका वो लिखना है आपको, मैंने हिसार लिख दिया है, ठीक है। देन उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर,
ओके रिस्पेक्टेड सर, फिर उसके बाद में सारी चीजें वही शुरू रहती है, आई वैक टू से समथिंग। एक चीज इससे पहले आपको जो मेन चीज एक और है जो अच्छा इंप्रेशन डालती है लिखने में, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, विषय, कि क्या सब्जेक्ट है, आप एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं, फॉर सिक लीव एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम। अब कई बच्चे जो है वो मैम भी लिखते हैं, लेकिन मैम जो है वो आपको कैसे लिखना है, एम ए apostrophe then m, ओके। कई बच्चे जो है वो मैम ऐसे लिखते हैं, दिस इज नॉट राइट, ये माम बन जाता है, ओके बच्चे। आपको मैम लिखने के लिए apostrophe s a मतलब कॉमा का यूज करना है, क्योंकि यहाँ आता है m a then apostrophe मैम, ओके, बड़े ए की मात्रा वाला। तो इस तरीके से रिस्पेक्टेड सर हो गया, और उसके बाद में आगे जो है आपका यहाँ से एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, जो कि आपको एक लाइन जो कॉमन होती है फॉर्मल लेटर में, दैट इज आई बैक टू से That, ये लाइन आपको रट लेनी, और बचपन से रटते आ रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टेंथ क्लास इन योर स्कूल, देन आपके आगे की वही फ्रॉम लास्ट नाइट आई एम वेरी इल, दैट्स व्हाई आई कैनॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, वन डेज, वन वीक, जो भी आप लिख सकते हैं। अंदर आप जो मर्जी लिखो, फॉर्मल लेटर में फर्स्ट ये लाइन रट लो अच्छे से, ओके, देन उसके बाद में फॉर्मेट ये रखना है आपको, सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड आएंगी, इस चीज का बस ध्यान रखना है, सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड ही आएंगी, ओके। देन यहाँ पर आपको पूरी बॉडी ऑफ लेटर हो जाता है, देन लास्ट में फिर उसके बाद आगे जाके पूरा खत्म होने के बाद, देन थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, और लास्ट में योर ऑबिडेंटली, योर ऑबिडेंटली की स्पेलिंग में यहाँ पर लिख के बताती हूँ, जो कि आप बहुत ज्यादा गलती करते हो, योर ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई, जो कि मेरे खुद के स्टूडेंट गलती करते हैं, ओ बी आई डी ई एन टी एल वाई लिख देते हैं, ओ वे डेंटली, ओके। इस तरीके से आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखना है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, देन टू द प्रिंसिपल, ये सब कुछ एकदम लेफ्ट हैंड साइड लाइन में आना चाहिए, मेरा फिर भी लाइन में नहीं है, बट आपका लाइन में होना चाहिए, सारी एप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सिलाई में चलेगी, साफ सुथरी एप्लीकेशन में एक भी कटिंग नहीं करनी है, ओके। तो ये आपका फॉर्मल लेटर चलता है, जो कि बहुत आसान है। उसके बाद हम चलते हैं इनफॉर्मल लेटर की और अनौपचारिक पत्र, ये औपचारिक पत्र है, हिंदी में भी वैसे होता है, सेवा में मुख्य अध्यापिका जी स्कूल, ये हिंदी में इजी है, इंग्लिश में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब हम इनफॉर्मल लेटर की तरफ चलते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये आपके आ जाती है इनफॉर्मल लेटर, आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर लिखा होगा कि लेटर आपको किसको देनी है, एंड यहाँ पर आप भी मेंशन होंगे कि आप कौन हैं, देन यू आर राज, ठीक है, आपका नाम राज है, राइट अ लेटर टू पुलिस स्टेशन फॉर रॉबरी कंप्लेंट, रॉबरी कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हमें उसके लिए कंप्लेंट लिखवानी है, या फिर हमें बताना है कि बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा कदम उठाइए, तो ये इनफॉर्मल लेटर में आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल को नहीं लिखना है, सिंपल। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ आपको सबसे ऊपर अपना बायोडाटा लिखना होता है, सब कुछ लेफ्ट साइड ही चलेगा, अपना बायोडाटा लिखना है, अपना बायोडाटा में सबसे पहले आपका एड्रेस जाता है, ओके। अब आप एड्रेस कुछ भी लिख दीजिए, 105 गांधी रोड, ठीक है, देन आप आगे कोई भी स्ट्रीट लिख दीजिए, आनंद मार्केट, ओके। उसके बाद में आगे आप मतलब कोई भी जगह जहाँ से आप हैं, हिसार, ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखनी है, अपना अपना नाम, आप कौन हैं, आप राज हैं, ठीक है, हिसार, इस तरीके से, ठीक है, मतलब ऊपर जो है वो आपका बायोडाटा आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपको चीज़ भूलनी नहीं है, ठीक है ना बच्चे। तो इसके बाद में देन आप इसको लेटर लिख रहे हैं SHO टू द SHO, कहाँ का है वो, हम हिसार गए हैं तो हम हिसार ही भेजेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसके बाद में फिर वही आ जाएगा सर, देन उसके बाद में आपका पूरी लेटर की बॉडी आ जाएगी नीचे, और लास्ट में आप लोगों का आ जाएगा योर या फिर थैंकिंग यू, एंड देन सिंपल आप राज लिख सकते हैं, अपना नाम अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, अदरवाइज आप फेथफुली सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इनफॉर्मल लेटर में, कि सबसे ऊपर आपका खुद का बायोडाटा आता है, देन आपका एड्रेस, आपका नाम, जो भी आपको लेटर में गिवन होगा वो, हमें सिर्फ नाम दिया हुआ था तो हमने एड्रेस खुद से बना लिया, उसके बाद नाम, कहाँ से हैं हम, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद में टू SHO, ये एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका बायोडाटा आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से इनफॉर्मल लेटर है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये चीज़ें आपको 5 मार्क्स जो है वो फ्री में दिलाती हैं बच्चे, 5 मार्क्स फ्री में दिलाती हैं, तो इसलिए इस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है पेपर में, और एज इट इज का क्या ना, ताकि एग्जाम में कंट्रोल हो जाए कि हाँ हमें इसको नंबर देने ही हैं, फॉर्मेट के भी अलग से मार्क्स दे दिए टीचर, ठीक है।
तो एप्लीकेशन यहाँ पर खत्म हुई, इसी तरीके से हिंदी में भी लेटर होते हैं तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।